पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। पत्री जी का स्थल में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी लोग बहुत क्या प्यार करते हैं, जितने भी आते हैं सब ध्यान में जो जितना ये है वो कोई मंदिर में या किधर भी गया तो मेरे को इतना नहीं पता चला, मगर ध्यान में जितना सुकून मिलता है उतना किधर भी नहीं मिला मेरे को। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं करीमनगर से हूँ। मेरा पैदाइशी जो है मुंबई से है, पढ़ा लिखा हूँ उधर का ही हूँ, भाई लोग उधर ही रहते हैं, माँ बाप उधर ही रहते हैं। मैं एक बिज़नेस के सिलसिले में करीमनगर आया, करीमनगर में बिज़नेस किया, थोड़ा लॉस हो गया। इसमें फैमिली में थोड़ा ऊँच नीचा हो के घर से निकाल दिया मेरे को, रोडों पे सोया, भीख मांगा। मेरा माँ का बहन का लड़के ने मेरे को एक एड्रेस दिया, कभी जुलाई 23-24 का जो 3 दिन का प्रोग्राम था यहाँ लेके आया। मैं आके इधर ही रूम में 1.5 महीना ये किया था क्या अपना ध्यान, तभी अचानक मेरे को उन लोग ने बोला सिक्योरिटी का चाहिए। अभी सिक्योरिटी का काम भी कर रहा हूँ, ध्यान भी करता हूँ, ध्यान में इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ उसके बारे में कुछ मैं बोल नहीं सकता। ध्यान में खो जाता हूँ, किधर खो जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता, एक कहाँ तक लिमिट में आया मेरे को समझ में नहीं आया, मगर अभी भी ड्यूटी में हूँ, ध्यान करता हूँ, मगर ध्यान के लिए इतना समय नहीं मिलता, करना चाहता हूँ। जब भी मेरे को सुबह 3 बजे 2 बजे 4 बजे जब भी नींद खुलता है मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ। मेरा ज़िंदगी में मैं पहला एक अच्छा खासा था, अभी तो फिलहाल जो भी है अच्छा ही हूँ। इधर पत्री जी के स्थल में मैं पिरामिड का इंचार्ज अपना ये था, जो भी आते हैं मेरे से प्यार से बात करते हैं, अच्छा लगता है उनको भी। अभी जो भी मिलते हैं उन लोग बोलते हैं वेरी गुड, तुम्हारा अच्छा नसीब है जो पिरामिड में तुम काम कर रहे हो। जो भी जहाँ से दिल्ली से गुजरात से मद्रास से कहाँ से भी आते हैं बोलते हैं तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम इधर हो। मैं हम लोग को ध्यान करने के लिए इधर आना पड़ता है, मगर मेरा सौभाग्य है जो पत्री जी ने मुझे इधर अपने पास रख लिया। ध्यान में जब से आया हूँ मांसाहारी शाकाहारी या शाकाहारी में हूँ, यहीं पिरामिड का जो खाना मिलता है जो सुबह शाम वही खाना खाता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं ड्यूटी करता हूँ, यहीं ध्यान करता हूँ। ये मेरे को सौभाग्य है जो पत्री जी का स्थल में इधर मेरा क्या बोलते धनी हूँ मैं। पत्री जी का स्थल में आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ सभी लोग बहुत क्या प्यार करते हैं, जितने भी आते हैं सब ध्यान में जो जितना ये है वो कोई मंदिर में या किधर भी गया तो मेरे को इतना नहीं पता चला, मगर ध्यान में जितना सुकून मिलता है उतना किधर भी नहीं मिला मेरे को। कभी मैंने हनुमान जी को दिल में नहीं सोचा था, ध्यान जब करता हूँ हनुमान जी आते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं मगर मेरे से वो ध्यान में हट जाते हैं, ध्यान में आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, मगर क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। ध्यान में मैं कितने जन से मैं मास्टर जी से पूछा हूँ ऐसा हो रहा है, तो वो उन लोग ने बोला ध्यान करते रहो वो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी तक तो अभी टाइम लगेगा शायद, इतना आसान नहीं है कि जो करते ही आ जाए। मैंने कई बुक में पढ़ा था 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस, उसमें आइस नोज ईयर टंग
जब आप मांसाहारी की दुकान में जाएंगे, काटते हुए देखेंगे, आइस बोलते अच्छी बात नहीं है, नाक आप नहीं सूंघ सकते और ना कान आपको उसका चिल्लाने का आवाज़ पसंद नहीं आता, मगर आप कभी फल खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, उसका स्मेल, उसका ताजगी देख के वो बोलते आ इसको लेना चाहिए। ये इसके लिए मैं बोलता हूँ शाकाहारी मनुष्य के लिए अच्छा है। मैं जब ध्यान में जब किया बैठता हूँ, बचपन की बातें मेरे को कभी याद नहीं था, ध्यान में जब बैठता हूँ तो क्या क्या किससे बात किया, किसको मारा, क्या किया क्या नहीं किया, वो याद आते रहता है। तो एक गुरुजी है यहीं पत्री है, पत्री स्थल में, तो उनका नाम तो पता नहीं, तो उन्होंने बोला तो वो पिछले कर्म का तुम्हारे को जो भी है वो धीरे धीरे जो भी ध्यान करते रहो, जो याद आएगा उसके वो आप डिलीट करते जाओ। तो मैं ऐसा करते गया, तो अभी ठीक है, कोई बचपन की बात तो याद आती नहीं है, मगर अनुभव तो अच्छा है। आज भी मैं पिरामिड में बैठा हूँ, क्लासेस में बैठा हूँ, अच्छा लगा। ध्यान में क्यों जुड़ना चाहिए बोले तो उनका अनुभव, आप अपना श्वास पे ध्यान दीजिए, श्वास में ही आपका जीवन है, आपका ध्यान में ही आपका सब कुछ है। धन्यवाद। बदले जीवन।